वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सम 99। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मीन्स होता है पत्र, गॉड का मीन्स होता है भगवान, भगवान को एक पत्र। इसको राइट किए हैं जीएल फ्लेंटर्स, इसके राइटर हैं। यह कहानी एक मेहनती किसान की है जो निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता है और वह भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। यह कहानी हास्य से और अंधविश्वास पर आधारित है। चलिए कहानी को हम टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। सीधे हम कहानी पर चलते हैं। यहाँ से हमारा मेन टेस्ट स्टार्ट होता है। द हाउस, घर, ओनली वन, मात्र एक, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर, ओनली का मीन्स होता है मात्र, वन का मीन्स होता है एक, एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। एंटायर का मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी होता है। संपूर्ण घाटी में मात्र एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, सेट मतलब स्थित था, क्रेस्ट चोटी ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। लो हिल का मीन्स होता है निचली पहाड़ी, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वन किसी पर्सन के लिए, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था रिवर नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइव कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद, जो बिंदुदार थी, विद द फ्लावर्स, फूलों से, मतलब फूलों से लदी हुई बिंदुदार दिख रही थी। दैट की, ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऑलवेज का मीन्स होता है हमेशा, प्रॉमिस का मीन्स वादा बताते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, जो हमेशा एक ऐसी अच्छी फसल की आशा बताता थी, आशा बताते थे, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी फसल देने की आशा दे रहे थे। द ओनली थिंग्स, मात्र एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वॉज ए डाउन पोर, एक मूसलाधार वर्षा की, और या एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक बौछार की। डाउन पोर का मीन्स होता है मूसलाधार और शावर का मतलब होता है बौछार की। कम से कम उस धरती को, उस खेत को एक मूसलाधार की आवश्यकता थी या फिर कम से कम एक बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू, जो जानता था हिज फील्ड, अपने खेत को, इंटीमेटली, घनिष्ठता से, मतलब पूरी सुबह लंचो कुछ करता नहीं है, केवल अपने खेत को जो घनिष्ठता से जानता है, जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स अन्यथा, अन्य बल्कि, बट लेकिन, सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सी मन मतलब देखता रहा, स्काई मतलब आकाश, टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में केवल क्या करता रहा, देखता रहा, जो अपने खेत को अच्छी तरीके से जानता था, कुछ नहीं किया, केवल अपने खेत की तरह उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश में क्या करता रहा, देखता रहा, मतलब वह पानी की आशा कर रहा था, मतलब कुछ वर्षा होगी। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मैन, नाउ मतलब वी रियली, हम वास्तव में गोइंग, जा रहे, टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे। वुमन महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है कि महिला, मैं कुछ पानी प्राप्त करने हम जा रहे हैं हम सब। द वुमन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, सपर का मीन्स होता है रात्रि का भोजन, वह महिला मतलब उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर देती है क्या, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो अवश्य बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम, कार्य कर रहे थे, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक, द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक वह महिला उन लोगों को नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का दौरान था, ड्यूरिंग का मीन्स होता है के दौरान, मील का मीन्स होता है भोजन, यह भोजन का दौरान था। दैट की, जस्ट लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा, जस्ट का मतलब होता है ठीक, एज मतलब जैसा कि, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, बिग बड़ी बूंदे, वर्षा की बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई, बिग ड्रॉप्स का मीन्स होता है बड़ी बूंदे, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट,
उत्तर पूर्व की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों के विशाल पर्वतों को देखा जा सकता था। कुड बी सीन अप्रोचिंग, सीन मतलब देखा जाए, अप्रोचिंग मतलब पहुंचते हुए। बादलों के विशाल पर्वतों को उत्तर पूर्व की दिशा में पहुंचते हुए क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता था। द एयर वर फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स, मैन किसके लिए आया, लंचो के लिए, जो लंचो था, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, दूसरे किसी कारण से नहीं गया, लंचो बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लेजर का मतलब आनंद लेने के लिए, फीलिंग मतलब अनुभव का, खुशी आनंद का अनुभव लेने के लिए। द रेन ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए। एंड और वेन, जब ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम, वह आश्चर्य के साथ बोला। दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज मतलब ये रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, मतलब लंचू बोलता है कि वही वर्षा की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे और 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं 10 पीसेज की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं। विदेश में बात हो रही है, जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ इंडिया में रुपया चलता है, वैसे वहाँ सेंट चलता है। विद अ सेटिस्फाई एक्सप्रेशंस, संतुष्ट के भाव के साथ, सेटिस्फाई का मीन्स होता है संतुष्ट, और एक्सप्रेशन मतलब भाव होता है या वेदना होता है। संतुष्ट के भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, ही रिगार्डेड ध्यान से देखा फील्ड ऑफ राइव कॉर्न पके हुए अनाजों के विद इट्स फ्लावर्स के फूलों के साथ, वह खेतों में इसके फूलों के साथ ध्यान से क्या करता है, देखता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की बूंदों से ढकी हुई थी, कर्टेन का मीन्स होता है चादर, वर्षा की बूंदों का मतलब वर्षा के चादर, मतलब वर्षा की बूंदे दिख रही थी खेत फसल के ऊपर, कर्टेन का मीन्स होता है चादर, रेन मतलब वर्षा के चादर से ढकी हुई थी। बट लेकिन सडनली अचानक और स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। एंड एलॉन्ग विद इसके साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, एलॉन्ग विद रेन वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बहुत बड़ी बड़ी ओले, हेल स्टोन का मीन्स होता है ओले, बिगन टू फॉल गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब वर्षा के साथ साथ ओले गिरने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर काइंस, ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लगते थे। रिजेंबल्स का मतलब होता है एक जैसे, न्यू सिल्वर का नए चांदी के सिक्के जैसे लगते थे, मतलब जो वर्षा की ये ओले गिर रहे थे वो चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग छोड़ देते हैं देम सेल्वेज स्वयं को, लड़के स्वयं को खुला छोड़ देते हैं टू द रेन वर्षा में, जो लड़के होते हैं स्वयं को वर्षा में क्या छोड़ देते हैं, खुला, एक्सपोजिंग का मतलब होता है छोड़ना, खुला छोड़ना। रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रन मतलब दौड़ते हैं, कलेक्ट इकट्ठा करने, द फ्रोजन पर्ल्स जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, यह वास्तव में अब क्या हो रहा है, बुरा, एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, क्विकली का मीन्स होता है जल्दी, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेंज ऑन द हो ऑन द हाउस, एक घंटे तक ओले घरों पर बरसे, द गार्डन बगीचों पर बरसे, द हिल साइड पहाड़ी की दिशा में बरसे, द हिल साइड पहाड़ी को दिशा में बरसे, द कॉर्नफील्ड खेतों के अनाजों की तरफ बरसे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में बरसे, मतलब जो ओले थे एक घंटे तक घरों पर बरसे, बगीचों में बरसे, पहाड़ी की दिशा में बरसे, और खेतों पर बरसे, और संपूर्ण घाटी। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया हो, मतलब खेतों में ऐसे ओले पड़े थे जैसे मानो कि यह बर्फ से ढक गया। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती रिमेंड ऑन द ट्रीज,
रिमेंड का मतलब होता है शेष, ट्रीज मतलब पेड़ों पर, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। टोटली का मीन्स होता है संपूर्ण और डिस्ट्रॉयड का मीन्स होता है नष्ट। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पेड़ों से गिर गए थे। गॉन मतलब चले जाना, प्लांट्स मतलब पौधों से। जो फूल थे पेड़ों से गिर गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन द, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। स्टॉर्म का मीन्स होता है तूफान और पास मतलब गुजर। जब तूफान गुजर गया ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खड़ा हुआ वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ। मिडिल का मीन्स होता है मध्य में, फील्ड का मीन्स होता है खेत या मैदान। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ एंड से टू हिज सन, अपने पुत्रों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का दल इससे ज़्यादा छोड़ देता। प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों का दल, लोकस्ट का मीन्स होता है टिड्डी और प्लेग मतलब दल होता है समूह। टिड्डियों का समूह इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। लेफ्ट का लीव मतलब छोड़ना होता है, लेफ्ट उसका नथिंग मतलब कुछ नहीं। ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स, इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात्रि वाज ए सोरोफुल वन, वह रात्रि एक दुख भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क्स, हमारे सभी कार्यों का फॉर नथिंग, कुछ नहीं मतलब निकला। मतलब लेंचो बोल रहा है कि हमारे इन सभी कार्यों का कोई भी मतलब नहीं निकला। देयर इज नो, कोई नहीं है। देयर इज नो वन, वन किसी पर्सन के लिए है। देयर इज नो वन, कोई व्यक्ति नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके। वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, हम सभी इस साल भूखों रहेंगे। हंग्री का मीन्स होता है भूखा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हार्ट्स का मीन्स होता है हृदय, हाल मतलब उन सभी के हृदय में। हु लिव्ड, जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सभी के हृदय में जो इस घाटी के मध्य में एकांकी घर में रहते थे। मतलब उन सभी के हृदय में जो इस घाटी के मध्य में एकांकी घर में क्या करते थे, रहते थे। सॉलिटरी का मीन्स होता है एकांत, मात्र एक ही घर था लेंचो का ही उस घाटी में, पहाड़ी इलाका बोलते हैं घाटी के मतलब, मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन उन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य एकांकी घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, मात्र एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। सो मतलब बहुत होता, अपसेट मतलब दुखी या परेशान ना। बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए। एवन, यहाँ तक कि दो, यद्यप दिस सीम्स, यह लगता है लाइक अ टोटल लॉस, यद्यप यह संपूर्ण हानि लगती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, भूख से कोई नहीं मरता। वन किसी पर्सन के लिए, डाइज मतलब मरना होता है, हैंगर मतलब भूख से। याद रखो, कोई भी भूखो नहीं मरता। दैट वट दे से, ऐसा ही तो लोग कहते हैं। मतलब दैट इज वट का मतलब होता है इसलिए, दे से, ऐसा ही तो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हैंगर, भूख से कोई नहीं मरता। मतलब लोगों का जब भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है तो लोग ऐसा ही बोलते हैं। मतलब किसी पर विश्वास नहीं होता तो भगवान पर रहता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लेंचो थाट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात्रि लेंचो केवल मात्र एक आशा के बारे में सोचता रहा। ओनली का मीन्स होता है केवल या मात्र, वन मतलब एक, होप मतलब आशा होता है। लेंचो मात्र एक आशा, पूरी रात्रि लेंचो केवल मात्र एक आशा के बारे में सोचा रहे हैं। वो क्या आशा था? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, ईश्वर की सहायता। हुज आइज,